नमस्कार, मेरा नाम ओंकार सिंह है। एक अध्यापक और प्रिंसिपल के तौर पर बच्चों के साथ काम करने का लंबा अनुभव है, जिसे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। वर्तमान विषय बच्चों में बढ़ती असहनशीलता है। क्या हम एक असहिष्णु समाज की ओर बढ़ रहे हैं? अगर असहिष्णुता के डिक्शनरी अर्थ को देखें तो हमारी हर परिस्थिति को सहने की एक सीमा होती है, और जब वह सीमा पार हो जाती है तो हम हिंसा के रूप में उसका जवाब देते हैं। ये सीमा हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकती है। मनोवैज्ञानिक स्वाति वत्स के अनुसार, जब हम असफलता, निराशा और इनकार को बर्दाश्त नहीं कर पाते तो उसका जवाब हिंसा के रूप में देते हैं। पिछले 2 सालों में कुछ सुर्खियों पर नजर डालिए। जून 2013 में अखबारों में एक खबर छपी, एक लड़की का किसी लड़के से फेसबुक पर ब्रेकअप हो गया। जब माता-पिता ने उससे बात करनी चाही तो उसने टीवी तोड़ दिया और माँ के सिर पर कोई वजनदार चीज दे मारी। 13 साल के बच्चे ने अपने माता-पिता की पिटाई कर दी क्योंकि उन्होंने उसे दोस्तों के साथ पार्टी में जाने से मना कर दिया था। कुछ दिनों पहले एक स्कूली बच्चे के बैग में वोदका की छोटी बोतल मिल गई, जिसकी शिकायत टीचर ने प्रिंसिपल से कर दी। जब लोगों का ध्यान दूसरी तरफ था तो बच्चे ने खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली। एनसीआर में ही एक बच्चे ने स्कूल में ही पंखे से लटक कर जान दे दी और सुसाइड नोट में टीचर को दोषी ठहराया। इस तरह की खबरें जब तब आती रहती हैं और हमें कुछ सोचने को बाध्य करती हैं। मनोविज्ञान की भाषा में इसे इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव बिहेवियर कहते हैं, जिसमें हालात के मुकाबले व्यक्ति की प्रतिक्रिया बहुत ही अतिवादी किस्म की होती है। मुंबई के एक स्कूल की प्रिंसिपल एक घटना का जिक्र करती हैं। जब बच्चे ने गुस्से में आकर शीशे की एक खिड़की को चकनाचूर कर दिया, उसके माता-पिता को बुलाया गया तो पूछताछ के दौरान ये पता चला कि उसके पिता भी घर पर मारपीट करते थे। समाज विज्ञानी इसका कारण फिल्मों में भी देखते हैं, जिसमें समस्याओं का उत्तर हिंसा, बदले और तोड़फोड़ के रूप में दिखाया जाता है। कई मोबाइल ऐप और वीडियो गेम हैं जो आक्रामकता सिखाते हैं। वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता, मगर बच्चों का मन तो कोमल होता है। व्यवहार परिवर्तन का कुछ श्रेय खाने पीने की आदतों को भी जाता है। प्रोसेस्ड और डिब्बाबंद खाने में कृत्रिम रंग और प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो बच्चों के स्वभाव में चिड़चिड़ेपन के कारण है। कुछ शोधों में जंक फूड और कोला ड्रिंक्स को भी जिम्मेवार माना गया है। इसका समाधान क्या है? व्यवहार बनने में समय लगता है और भूलने भी। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे क्विक फिक्स किया जा सके। बच्चों को बचपन से ही ना सुनने की आदत होनी चाहिए। अगर आपने एक बार टीवी बंद कर दिया तो रोने धोने या उत्पात मचाने से मान नहीं जाना चाहिए। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो एक तरफा आदेश देने के बजाय तर्क करना चाहिए, क्योंकि मुंह बंद करके आप सोच बंद नहीं कर सकते हैं। बच्चे का अपना भी व्यक्तित्व है, सारा दिन टोका टाकी ठीक नहीं। कुछ समस्याओं की अनदेखी करके बाद में किसी मौके पर घर में चर्चा हो सकती है। आसन और प्राणायाम भी आत्म संयम में बहुत सहायक हैं। अगर सुबह समय न हो तो शाम या छुट्टी के दिन ही सही। वास्तव में गुस्सा रोष की परिणति है, जो तनाव को जन्म देता है। रोष का प्याला भर जाता है तो गुस्सा फूटता है। हिंसा गुस्से का एक परिणाम है। हिंसा वस्तुतः एक पाशविक शक्ति है। मनुष्य को भगवान ने दिमाग दिया है, इसलिए हमें सोच से काम लेना चाहिए, न कि हाथ पैरों से। जो बच्चे खेलते हैं उनमें इस तरह के व्यवहार की आशंका न के बराबर है, क्योंकि खेल खेल में वे हार को स्वीकार करना और दूसरों के साथ तालमेल बिठाना सीख जाते हैं। अक्सर हम घर में बातचीत करते रहें, स्वस्थ मनोरंजन करें और कभी बच्चे की बात भी मान लें तो विष का ये प्याला खाली भी होता रहता है और कभी पूरी तरह नहीं भरता। यही आदर्श स्थिति है। गुस्से पर नियंत्रण की शुरुआत आप यानी पेरेंट्स से हो तो ज्यादा अच्छा है। हैप्पी पेरेंटिंग।